हे, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्होंने रीप्रोग्राम किया है। इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था मैं बता देती हूँ आपको। कोई भी चीजें मैनिफेस्ट करने जाते थे ना, तो वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती थी, वहां पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी। तो इन्होंने उसी चीज को लेकर के किस तरह से पॉजिटिव किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मतलब प्रोग्राम किया, और उसके बाद में वही चीजें अब इनकी लाइफ में पॉजिटिव रूप में होनी शुरू हो गई। तो ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी है। नाम मेंशन करने के लिए सामने से मना किया है, इसलिए नाम नहीं मैं मेंशन कर सकती हूँ, क्योंकि काफी हद तक रिलेशनशिप इसके बीच में आया हुआ था, जिस चीज को लेकर के ये मैनिफेस्ट बार बार कर रहे थे और वहां नेगेटिव हो जा रहा था। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर के नेगेटिव हो चुके हैं या सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रोग्राम हो चुका है, तो ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। हाँ, इन्होंने लिखा है, मेरे सारे ही लगभग सारे ही रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। मेरे इन-लॉज के साथ मेरे रिश्ते खराब थे, मेरे मायके तक में मेरे रिश्ते खराब थे, और ये चीज बचपन से ही चली आ रही थी, क्योंकि मेरा माइंड रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था रिश्ते सिर्फ किसी मतलब के लिए होते हैं और सब मतलब के ही रिश्ते होते हैं, और यही चीज मेरी प्रॉब्लम शादी में भी होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने आपके मैनिफेस्टेशन के कुछ वीडियोस देखे, मैंने मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मैं पॉजिटिव करने की कोशिश करती थी लेकिन नेगेटिव हो होता था। उस चीज का बिल्कुल ही उल्टा हो जाता था जो मैं सीधा करना चाहती थी। उसके बाद में समझ में आया, आपके वीडियो के थ्रू ही मुझे ये वाली बात भी पता चली कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम प्रोग्राम कर लेते हैं तो चीजें वैसी ही घटनी शुरू हो जाती हैं। मेरी तो बचपन से ही नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी, मैं तो रिश्तों को लेकर के बेसिक चीजें भी नेगेटिव ही सोचती थी, इसीलिए ये मेरे साथ हो रहा है। इसके बाद में मैंने रिपीट एंड रिपीट 21 डेज वाले टेक्निक को किया, जिसमें सिर्फ सुनना होता है और बोलना होता है, जिसमें मैं सिर्फ यही बोलती थी, मेरे हर एक रिश्ते खूबसूरत हैं, अनकंडीशनल लव है और बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने इसको रिपीट रिपीट करते करते करीब 6 से 7 महीने किया है, और उसके बाद ही मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। मेरे सबसे पहले रिश्ते अपने भाई के साथ में ठीक हुए, उसके बाद अपनी भाभियों के साथ में रिश्ते ठीक हुए। पहला शुरू का मायके में ही रिश्ते मैंने ठीक होते हुए देखे, उसके बाद में मेरे इन-लॉज से मेरे रिश्ते ठीक हुए। आज मैं ससुराल में हूँ और अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, मैं कभी मायके में ठीक से रह पाई हूं ना कभी ससुराल में, लेकिन आज मैं खुश हूं। सब लोग मेरी खुशी का ख्याल रखते हैं और मैं भी उनकी खुशी का ख्याल रखती हूँ। मेरा माइंड अब रिश्तों को लेकर के पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैं रिश्तों के लिए पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए अनकंडीशनल लव सोचती हूँ, और वही मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से भी मिलता है। मैं अपने इन-लॉज के बारे में जितना नेगेटिव सोचती थी, आज उससे कहीं ज्यादा मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। उन लोगों से जो मुझे मिलता है वो किसी सपने से कम नहीं है। सचमुच में मेरी जब से प्रोग्रामिंग चेंज हुई है तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। स्पेशली रिश्तों को लेकर के जो मेरी गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी थी, अब मैंने उसे रीप्रोग्राम करके खुद सही होते हुए देखा है। तो मैं ये मानती हूं कि यस, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। थैंक यू सो मच शांभवी, आपने जितना आसान कर दिया है और जिस आसानी और मजे से आप चीजों को समझाती हैं, उस चीज से वो उतनी ही जल्दी हमारे दिमाग में हिट कर जाती है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना भी इतना आसान हो सकता है, लेकिन यस, ये बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, पेशेंस रखें, तो ये 100% वर्क करता है। अगर ये मेरे लिए वर्क कर सकता है तो ये आपके लिए भी वर्क कर सकता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच शांभवी, आपको मेरा दिल से थैंक यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू। आपने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। एक्चुअली मैं हमेशा ही सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें, क्या करें, मैं टेक्निक्स बताती रहती हूँ, चीजें बताती रहती हूँ, लेकिन आपने बहुत धैर्य रखा, पेशेंस रखा, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। अगर आपने 21 डेज वाले टेक्निक को 6 से 7 महीने भी किया है, मतलब आपने उसको करीब करीब 10 बार कर लिया है, 9 से 10 बार आपने 21 डेज वाली टेक्निक को कर लिया है, ये बहुत बड़ा टाइम है। और इसमें तो एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपकी रिप्रोग्रामिंग होनी ही थी, और आपने कर ली और आज आपके सामने रिजल्ट है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लोग करना चाहते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं दे सकते, उनको
ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमने शुरू किया बस अब हमारा मन नहीं कर रहा, बस अब से हमसे चीजें नहीं हो रही, बस अब हो गया सब कुछ, हो गया बहुत हो गया, मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ में तो वैसे होता है। लेकिन आपने उस चीज को पकड़ करके रखा और तब तक किया जब तक आपको ये चीज हो नहीं गई कि वो प्रोग्रामिंग चेंज हो गई है। बचपन की प्रोग्रामिंग थी और आपने उसको यहाँ आकर के चेंज किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएटेड। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और आपने कर दिखाया है। वाह, आपके लिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, दागे अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।